नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। संडावता माता शबरी की प्रतिमा स्थापना एवं आदिवासी महोत्सव बीनागंज के लिए आज चाचौड़ा विधायक प्रतिनिधि एवं जैस प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह भील के द्वारा संडावता की जैस टीम को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश की जानी मानी आदिवासी हस्तियां शामिल होंगी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जैस संरक्षक विधायक डॉक्टर हीरा लाल अलावा, आर एन ठाकुर, जैस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा, जकास राष्ट्रीय महासचिव ध्रुव चौहान, अपर सचिव भोपाल भूपेंद्र सिंह परस्ते, अपर सचिव राजस्व विभाग भोपाल जी एस ध्रुवे सहित झाबुआ के आदिवासी नृत्य टीम एवं राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कोने कोने से आदिवासी भाग लेंगे। इस अवसर पर जैस प्रदेश सदस्य श्याम भिलाला, ब्लॉक अध्यक्ष संजय भिलाला के साथ ही गोविंद, डॉक्टर घिसालाल, गुलशन, ऋषभ, मंगल, सतीश और राकेश भिलाला आदि भी उपस्थित रहे। बीनागंज शबरी आश्रम में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसा क्या रहेगा कार्यक्रम? ये हमारा एक सामाजिक और बड़ा समाज द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है शबरी आश्रम विभिन्न समाज के सहयोग से, उसका लोकार्पण और उसमें मूर्तियाँ का प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है पूरी समाज के सहयोग से। और इसमें ये एक आयोजन राजनीति से हटकर पूरी समाज के सहयोग से हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले की टीमों को आमंत्रित किया है और पूरी टीमें एक दूसरे का आचार विचार वेशभूषा को समझे और जो हमारे क्षेत्रों में हो रहा है एक दूसरे पर अत्याचार, इसको लेकर रात को गतिविधियों पर चर्चा हो और एक समाज की ताकत के रूप में हमारा पूरा प्रदेश का युवा एक नई ताकत के रूप में उभरेगा, इसको लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजनीति को बिल्कुल दूर है और इसमें जो आ रहे हैं बड़े बड़े हमारे IPS जो अधिकारी आ रहे हैं वो युवाओं को क्षेत्रीय गतिविधियों से और साथ ही जो बड़े बड़े आंदोलन को लेकर जो हमें युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा कैसे हमें लड़ा जाए और हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। खबर समय जगत के लिए संडावता से श्याम भिलाला की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।